सानू ये 70 किलोमीटर अमृतसर जाना पैंदा या 80 किलोमीटर जाना पैंदा उत्थे जलंधर ते बटाला 32 किलोमीटर पर उत्थे भी बहुत ही बड़ी सुविधा मेडिकल नहीं हैगी और उस बंदे नू 70 किलोमीटर च बचाया जा सकता। एक्सीडेंट हो जाता सिर च सट लग जाती तो उन्होंने ये पता भी अमृतसर या जलंधर तो पहला मैं कोई फर्स्ट एड नहीं दे सकता, मेरा इलाज ही नहीं कर सकता, मैं पट्टी नहीं कर सकता, तो वह बेचारा तो गम नाल ही मर जाता, सोच नाल ही मर जाता। चोणा तो पहला सरकार वालों लोगों नूं चंगीआं सेहत सहूलतां देण दा दावा कीता जांदा है पर पंजाब विच मिलदीआं सेहत सहूलतां तो कौन नहीं जाणू। लोगों वालों सेहत सहूलतां विच कमी होण दी शिकायत अक्सर ही कीती जांदी है। हुण कस्बा हरगोबिंदपुर साहिब विच लोगों की सहूलत लई बनाए गए सरकारी हस्पताल दे बंद होण नाल लोग काफ़ी परेशानी विच ने। इस समस्या बारे इलाके दे लोगों ने दस्सिआ कि काफ़ी साल पहलां पंचायत वालों 5 किले जमीन इस हस्पताल लई दित्ती गई सी पर उसते भी नजायज कब्जा हो चुका है। उन्हां कहा कि पिछले सरकारां वालों इलाके विच बने इस हस्पताल नूं बंद करके किसी होर थां तब्दील कर दिता गया जिस कारण लोगों नूं इलाज करवाउण लई करीब 70 किलोमीटर अमृतसर जाना पैंदा। हस्पताल दे बंद होण नाल इमारत दी हालत भी खस्ता हो चुकी है जिस नाल लोगों के टैक्स का पैसा भी खराब हो रहा है। लोगों ने सरकार तो मंग की है कि पिछले लंबे समय तो बंद पिया ये हस्पताल दोबारा शुरू किया जाए ता जो लोगों नूं अपना इलाज करवाउण विच आसानी हो सके। इत्थे श्री हरगोबिंदपुर दे विच वीडियो दफ्तर तहसील आ, DSP साहब बैठते हैं, CDPO साहब बैठते हैं, BDO ब्लाक मार्केट कमेटी का दफ्तर आ, ब्लॉक समिति का दफ्तर आ, मतलब सारा कुछ साडा हलका श्री हरगोबिंदपुर और ब्लॉक आ सारा कुछ इत्थे आ। उहदे नाल देखो जदों हॉस्पिटल साडा बंद हो गया चौके घुमाण लै गए, बहुत पुरानी गल करदा मैं, हुण दी सरकार दी नहीं पहलां दी गल करदा, और देखो उस तों बाद 25 बैड का हॉस्पिटल सरकारां तां अपग्रेड कर दियां ने पर असीं ये मंग करदे आ वी साडा जिन्ना खोया सानूं उन्ना वापस कर दिओ। इत्थों की पंचायत पहलां पेंडू दी सी हुण नगर कौंसल दे विच आ, 5 किले इत्थों की पंचायत ने जिहड़े इन्हां नूं दित्ते सीगे हॉस्पिटल वालिआं नूं उह लोक कब्जा करी। पेंडू इलाके दे विच की आ कि जिथे जिमीदार या मजदूर अपने खेतों नूं जांदे आ, सब तो आम गल देखो इत्थे साडे नाल घटना दूजे चौथे एक दुक वापरदियां रहिंदियां वी कदे सप्प डंग गया या सप्प दे पैर कुछ ना कुछ इदां दी दिक्कत। प्राइवेट कोई भी इस इलाज नूं इस सप्प दे डंगे नूं मैडिकल वाले हाथ नहीं पाउंदे ते ना ही साडे इत्थे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल हैगा। सानूं इहदे लई 70 किलोमीटर अमृतसर जाना पैंदा या 80 किलोमीटर जाना पैंदा उत्थे जलंधर ते बटाला 32 किलोमीटर पर उत्थे भी बहुत ही बड़ी सुविधा मेडिकल नहीं हैगी और उस बंदे नूं 70 किलोमीटर च बचाया जा सकदा। साढ़े बंदिआं नाल इन्ना धक्का आ, कोई मणका लवाउंदा कोई कुछ करदा पर सरकारी हॉस्पिटलां दे विच ये इंजैक्शन अवेलेबल हुंदे ने, उन्हां नूं पता हुंदा किवें डोज देनी आ ते उह बंदे बचाए जा सकदे आ। दूजी गल जदों किसी वीर दा एक्सीडेंट हो जाता सिर च सट लग जाती तो उन्होंने ये पता भी अमृतसर या जलंधर तो पहला मैं कोई फर्स्ट एड नहीं दे सकता, मेरा इलाज ही नहीं कर सकता, मैं पट्टी नहीं कर सकता, तो वह बेचारा तो गम नाल ही मर जाता, सोच नाल ही मर जाता। इन्ना धक्का साढ़े इलाके नाल हो रहा, असी इहदी अपील जिहड़ी है हलका विधायक एडवोकेट अमरपाल और जिहड़े साढ़े सेहत मंत्री ने और मुख्य मंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान नूं करदे आ। आस भी है क्योंकि सरकार नवी नवी बनी समा देना चाहिए, कोई साल डेढ़ साल वेट करनी चाहिए, हले तो 6 महीने हुए बने नूं, पर सानू पूर्ण आस आ कि जिते सरकार इन्हां दी गल करदी आ जिवें नवें महला क्लीनिक खोलण दी गल करदी आ उहदे नाल दी नाल जरूरी इस काम दे उत्ते वी जिहड़ा मौजूदा पंजाब सरकार वल्लों सूबे दीआं सेहत सहूलतां विच वड्डे सुधार करन दे दावे कीते जा रहे ने जिस लई उहनां वल्लों 75 महला क्लीनिक भी खोले गए ने। हरगोबिंदपुर साहिब इलाके दे लोकां वल्लों सरकारी हस्पताल मुड़ शुरू करन दी मंग सरकार कोल कीती जा रही है। हुण देखणा होवेगा कि सरकार वल्लों इन्हां लोकां दी आवाज़ कदों तक सुनी जावेगी। गुरदासपुर तों रोहित गुप्ता, पंजाबी लोक चैनल।